हे बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और अब बात आती है चेकिंग की और एग्जामिनेशन के रिजल्ट की कि किस तरीके का क्या रहने वाला है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है। तो आइए पढ़ते हैं। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड्स 10th एंड 12th एनुअल एग्जामिनेशन वर कंप्लीटेड ऑन ट्यूजडे। हिस्ट्री एंड बायोलॉजी पेपर ऑफ क्लास 12th वॉज हेल्ड ऑन द लास्ट डे ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन बाय द फ्लाइंग स्क्वाड्स। केस ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ सम एग्जामिनीज हैव बीन रजिस्टर्ड एट सम एग्जामिनेशन सेंटर्स। मतलब कई जगह पर जो है केसेस वगैरह भी पाए गए कि चीटिंग वगैरह के, और एग्जाम्स आप लोगों के खत्म हो गए हैं। 12th का जो पेपर थे हिस्ट्री का और बायोलॉजी का, वो लास्ट एग्जाम था, है ना। तो आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, चीटिंग वगैरह केसेस जो देखे गए थे वो भी काफ़ी देखने के लिए मिले, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। और इसके अलावा में ये लोग अगर क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू नेग्लिजेंस इन एग्जामिनेशन ड्यूटी 6 सुपरवाइजर्स वर रिलीव्ड ऑफ देयर ड्यूटीज, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वॉज रिटन अगेंस्ट देम फॉर फर्दर एक्शन। 6 सुपरवाइजर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया चीटिंग वगैरह करवाने के पीछे, और काफ़ी ज़्यादा केसेस वगैरह में पकड़े जाने के पीछे। और इसके अलावा में लेट अस इन्फॉर्म दैट द हरियाणा बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम 27th February एट 1476 एग्जामिनेशन सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट। 296,329 कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंडरी एंड 263,409 ऑफ सीनियर सेकेंडरी, 73,240 ऑफ ओपन स्कूल एंड DLED, 10,093 स्टूडेंट टीचर्स एग्जामिनेज अपियर्ड इन द एग्जाम। तो इस तरीके का बायोडाटा आपका रहा है कि आप लोगों ने जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिए हैं। और आगे अगर देखा जाए तो टेक द एग्जामिनेशन दो सब्जेक्ट्स विच आर कैंसल्ड एट सम एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और पेपर लीक। तो वो पेपर जो बोले जा रहे थे कि लीक हो गए हैं या फिर दोबारा दिए जाएंगे, उन पेपर्स का जिनके बारे में न्यूज़ आई थी कि वो पेपर लीक हो गए हैं या फिर उसमें चीटिंग वगैरह की वारदातें ज़्यादा हुई हैं। ऑन 29th March द कैंसल पेपर ऑफ क्लास 10th एंड ऑन 31st, 12th एंड टुगेदर विद वन क्लास ऑफ 10th चिल्ड्रन विल अपियर इन एग्जामिनेशन। तो 29, 30, 31 ऐसे ही डेट को आप लोगों के पेपर जो हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है ना। और आगे एक हो भी गया है पेपर जो भी लीक हुआ था। तो उसके अलावा में सुपरवाइजर जगदीश सिंह अपॉइंटेड एट महेंद्रगढ़ एग्जामिनेशन सेंटर सहलांग स्कूल, मंजू एंड शिव नरेश नोटना अपॉइंटेड एट द बुचवास वर रिलीव्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन ड्यूटी फॉर डेडिकेशन ऑफ द ड्यूटी। तो उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस सुपरवाइजर गोवर्धन अपॉइंटेड एट एग्जामिनेशन सेंटर नागल चौधरी। तो ये इस तरीके से कुछ जो है आप लोगों को दिखाए गए थे। और इन्होंने आगे जो है वो बोला गया है कि जगबीर सिंह अपॉइंटेड एट लोहरू एग्जामिनेशन सेंटर बाय लोहरू SDM फ्लाइंग स्क्वाड वॉज रिलीविंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन ड्यूटी ड्यू टू नेग्लिजेंस इन ड्यूटी। और इसके अलावा में बोला गया है कि कैंसल एग्जाम जो है वो 29 और 31 को होंगे और will be held on 29th and March 31 and the examination re-examination of the cancelled subject of senior secondary। तो इस तरीके से आप लोगों के जो exams हैं अब वो बोला गया है कि जो थे वो हो चुके हैं और बाकी के जो cancel paper थे वो हो गए हैं, है ना। तो अब आप लोगों का main चीज़ जो आती है वो checking होती है, और checking आप लोगों की एक दो दिन में start हो जाएगी, और काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बन रही हैं चेकिंग के ऊपर। तो अब देखा जाएगा कि क्या कैसे होता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।